Hello students, I welcome you all to the English Academy. My name is Ruchika and today we'll take up a lesson for students of class 9. The name of the chapter is Kathmandu. It is from your Beehive book. This chapter Kathmandu has been written by Vikram Seth. He is a very famous Indian writer and this is an extract from Heaven Lake. So Vikram Seth ne ek kitab likhi thi jiska naam tha Heaven Lake jo ki China mein located लेक मानसरोवर के बारे में है, उनकी वहां की जर्नी के बारे में है और उसी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर, ये है इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्री है नेपाल जिसका कैपिटल है काठमांडू। तो जब राइटर ट्रिप पर गए थे और वो जब काठमांडू गए तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा? दो मेजर मंदिर थे, एक हिंदूज का और एक बुद्धिस्ट का, और वहां पे क्या क्या अट्रैक्शंस थी, उन्होंने क्या किया, यही सब उन्होंने इस स्टोरी में हमें बताया है। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। वी विल रीड द चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. तो विक्रम सेठ ये कहते हैं कि उन्होंने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया और वहां पर काफी देर तक सोते रहे और अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ, यानी के भतीजे या भांजे के साथ, वो काठमांडू के दो मेजर जो मंदिर हैं, एक तो हिंदूज का मंदिर है और दूसरा बुद्धिस्ट का मंदिर है, वहां घूमने गए। अब यहां पर आप देख सकते हैं हिंदूज का जो मंदिर है जो बहुत फेमस है काठमांडू में, उसका नाम है पशुपतिनाथ टेम्पल, और बुद्धिस्ट का जो बहुत ही फेमस टेम्पल है उसका नाम है बौद्धनाथ स्तूपा। यही दो टेम्पल्स विक्रम सेठ ने विजिट किए। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स का मतलब क्या है? मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली। क्या लिखा हुआ है पशुपतिनाथ टेम्पल के एंट्रेंस पर? एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। तो पशुपतिनाथ टेम्पल सिर्फ हिंदूज को अलाउ करता है वहां पर जाना। एंड आउटसाइड द टेम्पल देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कंफ्यूजन। फेब्रिल कंफ्यूजन मींस हरिड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस। बहुत ही ज्यादा केओस है, बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी है, बहुत ही ज्यादा चहल पहल है पशुपतिनाथ टेम्पल की एंट्रेंस पर। Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. तो यहां पर राइटर पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर का सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत सारे पुजारी, सामान बेचने वाले, डिवोटीज यानी के श्रद्धालु जो कि वहां पर दर्शन करने आए हैं, लोग जो वहां घूमने आए हैं, अलग अलग तरह के जानवर, चिड़िया, पक्षी सब वहां पर घूम रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा केओटिक और नॉइजी सीन होता है और उन्होंने वहां पर थोड़े से फूल चढ़ाए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। राइटर कहते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग वहां पर वर्शिप करने आते हैं, भगवान की पूजा करने आते हैं, कि सब एक दूसरे को एल्बो कर रहे हैं। एल्बो असाइड का मतलब क्या है? आपकी जो एल्बो है, कूनी है जो बांह की, उसके साथ किसी को ऐसे पुश करना, उसे पीछे धक्का देने के लिए। तो कहते हैं कि ऐसे ही लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे जाने की कोशिश करते हैं। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बाउज एंड मेक्स वे। तभी वहां पर नेपाल की रॉयल फैमिली से एक प्रिंसेस आ जाती है, वो भी वहां पर वर्शिप करने आई हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने आई हैं। जैसे वो वहां पर आती हैं, सब लोग साइड पर हट जाते हैं, आगे झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। वेस्टर्नर्स हु आर सैफ्रन क्लैड यानी के फॉरेनर्स ड्रेस्ड एज साधुस। यहां पर आप देख सकते हैं साधुस जनरली सैफ्रन कलर यानी कि जो ऑरेंज सा कलर होता है, इसे कहा गया है सैफ्रन क्लैड, क्योंकि ज्यादातर साधु ऐसे ही सैफ्रन कलर के कपड़े पहनते हैं। ऑल्दो ये वेस्टर्नर्स हैं यानी कि फॉरेनर्स हैं, ये इंडियंस नहीं है, लेकिन इन्होंने भी साधु के कपड़े पहने हुए हैं और ये पशुपतिनाथ टेम्पल में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हमने अभी पढ़ा कि पशुपतिनाथ टेम्पल का क्या रूल है, सिर्फ हिंदूज अलाउड है और इसीलिए द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज बिकॉज ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल और इसीलिए ये पुलिसमैन इन फॉरेनर्स को अंदर नहीं जाने दे रहा. अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज. वन चेजेस द अदर हु जंप्स ऑन टू अ शिवलिंग देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती दैट फ्लोज बिलो. अब तभी वहां पर राइटर ने देखा कि दो बंदरों के बीच में लड़ाई होने लग गई. एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करते करते एक शिवलिंग पर चढ़ गया. शिवलिंग आप सबको पता है, शिव जी की जहां पर पूजा की जाती है शिवलिंग बनाया जाता है वहां पर. तो ये बंदर इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया जो कि एक होली चीज है, एक रिस्पेक्ट की चीज है. और तभी दूसरा बंदर भागता हुआ बागमती रिवर तक पहुंच गया. यहां पर देखिए ध्यान से, जो पशुपतिनाथ टेम्पल है इसकी स्टेयर्स के नीचे ये जो एरिया है ये क्या है, ये है बागमती रिवर. ये एक होली नदी है, इसे सेक्रेट माना जाता है और ये नदी पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास से गुजरती है. और भागता भागता ये बंदर यहां तक पहुंच जाता है. अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक्स. वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ. कॉर्प्स मीन्स अ डेड बॉडी. यहां पर ध्यान से देखिए इस इमेज में, ये बागमती नदी बह रही है और इसके किनारे पर ये जो एरिया है यहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, क्रिमेट किया जाता है. और राइटर कहते हैं कि जब वो भी वहां गए तो वहां पर ऐसी क्रिमेशन चल रही थी. साथ ही एक साइड पर वॉशर वुमेन यानी कि कपड़े धोने वाली लेडीज, धोबिन जिसे कहते हैं, वो भी काम कर रही हैं, वो अपने कपड़े धो रही हैं और वहीं पर पास में बच्चे नहा भी रहे हैं. तो बागमती नदी के किनारे कितनी हलचल है, कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है. फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर. तभी वो देखते हैं कि घर की बैल्कनी से एक टोकरी भरी हुई है जिसमें पुराने मुरझाए हुए फूल हैं. हो सकता है किसी ने वो फूल कभी भगवान को अर्पित किए हों और अब वो मुरझा गए हैं, तो वो टोकरी फूलों की बागमती नदी में गेर देते हैं. तो राइटर क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसे इस नदी का पानी दूषित हो रहा है, लोग इसमें कपड़े धो रहे हैं, इसमें नहा रहे हैं, इसमें पुराने मुरझाए हुए फूलों को गेर रहे हैं. अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक. श्राइन इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. एक छोटा सा मंदिर. प्रोट्रूड्स मीन्स कम्स आउट, बाहर निकलना. यहां पर राइटर कह रहे हैं कि नदी के किनारे पत्थर के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे कि ये और एक ये. ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो कि थोड़ा सा बाहर नदी के तरफ निकलता है. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth. अब आजकल का जो समय है इसे कलयुग कहा जाता है. ऐसे ही पहले सतयुग हुआ करता था, द्वापर युग था, अलग अलग युग होते हैं. और ये कहा जाता है कि कलयुग में बुराई ज्यादा महान होती है. इसीलिए यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं, ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है, एक ऐसी बात जो कि मंदिरों में सुनने को मिलती है. क्या है वो बात? ये कहा जा रहा है कि जब ये जो छोटी सी श्राइन है, छोटा सा जो मंदिर है, ये पूरी तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसमें से जो गॉडेस है, जो देवी माँ है, वो बाहर निकल आएगी और वो क्या करेगी, कलयुग में होने वाली सारी बुराई का अंत कर देगी. जैसे कि आप सबने भी देखा होगा, अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस सीरियल भी आता था टीवी पर जिसमें काली माता के बारे में बताया जाता था. उसमें भी यही देखने को मिलता था कि कैसे काली माता हर बुराई का अंत कर देती है, हर बुरी चीज का अंत कर देती है. तो यही राइटर भी बता रहे हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल में भी यही कहा जाता है. एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस. इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड. अब यहां पर दूसरे मंदिर की बात हो रही है. दूसरा मंदिर कौन सा है? बुद्धिस्ट रिलीजन का एक श्राइन है, एक मंदिर है काठमांडू में जिसका नाम है बौद्धनाथ स्तूपा. यहां पर आप उसकी इमेज देख सकते हैं. यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पशुपतिनाथ टेम्पल के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऑपोजिट है. राइटर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है. एक बहुत बड़ा सफेद रंग का डोम है. डोम क्या होता है, ऐसे आप देख सकते हैं गोलाकार
जिसे गुंबज भी कहते हैं, और इसके आसपास एक सड़क है जहां पर आप देख सकते हैं ये जो बोधीज हैं, मॉन्क्स हैं, ये चल रहे हैं इसके आसपास, इस सड़क पर। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय टिबेटन इमिग्रेंट्स, फेल्ट बैग्स, टिबेटन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर। Who is an immigrant? Immigrant is a person who comes to live permanently in a foreign country. अब foreign country कौन सी हुई? नेपाल, क्योंकि ये जो लोग हैं ये टिबेट को बिलोंग करते हैं और ये टिबेट छोड़कर permanently नेपाल में सेटल हो गए हैं। बौद्धनाथ टेम्पल के बाहर एक टिबेटन मार्केट है, यहाँ पर टिबेटन लोग जो कि टिबेट छोड़कर नेपाल में रहने लग गए हैं उन्होंने अलग अलग शॉप्स लगाई हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये शॉप्स में वो लोग क्या क्या बेचते हैं, फेल्ट के बने हुए बैग्स हैं, टिबेटन प्रिंट्स के कपड़े हैं और सिल्वर ज्वेलरी। देर आर नो क्राउड्स, दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। हेवन मीन्स अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह। राइटर ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं है, किसी तरह की भीड़ नहीं है, बहुत ही ज्यादा शांति है, जो कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट है। काठमांडू इज विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस, विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडॉर्न्ड डीटीज अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स विद फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट्स और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स। राइटर यहाँ पर काठमांडू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कहते हैं काठमांडू इज विविड, विविड यानी कि यहाँ पर बहुत सारी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की चीजें। मर्सिनरी मीन्स यहाँ पर बिजनेस भी होता है, रिलीजियस मीन्स यहाँ पर धर्म के काम भी होते हैं, और फिर वो कहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर फूलों से सजाई हुई भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर पतली पतली सी स्ट्रीट्स हैं जहां पर बहुत रश होता है, बहुत लोग होते हैं। वहां पर किस तरह के लोग होते हैं? फ्रूट बेचने वाले, फ्लूट बेचने यानी कि बांसुरी बेचने वाले, पोस्टकार्ड्स बेचने वाले लोग, ऐसी दुकानें जो कि वेस्टर्न यानी कि इम्पोर्टेड सामान बेचती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, मेकअप की चीजें, फिल्म रोल्स यानी कि कैमरा में डलने वाली रोल्स, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, टूरिस्ट फोटोज बहुत खींचता है, इसलिए स्पेशल शॉप्स हैं जो कि फोटोग्राफी से रिलेटेड सामान जैसे कि फिल्म के रोल्स जो कैमरास में डलते थे वो बेचती हैं। आजकल की टाइम में जो कैमरास हैं वो डिजिटल कैमरास हैं, उनमें रोल नहीं डलता, लेकिन पुराने टाइम में जो कैमरास हुआ करते थे उनमें एक रील डलती थी जिसे रोल भी कहते हैं। तो जैसे कि ये स्टोरी थोड़ी पुराने टाइम की है तो तब ये सामान यूज होता था। फिर कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो चॉकलेट्स बेचती हैं, कॉपर के बने हुए बर्तन बेचती हैं और नेपाल में बने हुए एंटीक चीजें भी बेचती हैं, जैसे कि बुद्धा स्टैचूज बहुत फेमस हैं। छोटे छोटे स्टैचूज होते हैं लाफिंग बुद्धा के, ऐसे टाइप के एंटीक्स बेचने वाली शॉप वहां पर बहुत है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। लो मीन्स द मू साउंड मेड बाय काउज, जब यहां पर कह रहे हैं स्ट्रे काउज लो यानी कि काउज आवाज निकालती हैं आने जाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट को, ऐसे मू करके वो आवाजें निकालती हैं। यहां पर राइटर अलग अलग तरह की साउंड्स के बारे में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर है, और वो ये बता रहे हैं कि किस किस तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं। वो कहते हैं कि रेडियो में से कानों की आवाजें, कार के हॉर्न्स की आवाजें, बाइसिकल की घंटी की आवाजें, गाय भैंसों की आवाजें और वेंडर्स की आवाजें जो कि अपना सामान बेचने के लिए लोगों को आवाजें लगा रहे होते हैं, इस तरह की अलग अलग आवाजें वहां पर सुनने को मिलती हैं। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a reader's digest. Marzipan is a sweet made with grated almond. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मिठाई है जिसे marzipan कहा जाता है। कॉर्न ऑन द कॉब का क्या मतलब है? छल्ली, जिसे कि ऐसे ही साबुत कोयले के ऊपर भून कर खाया जाता है।
रीडर्स डाइजेस्ट हम सबको पता है एक मैगजीन का नाम है। तो राइटर कहते कि उन्होंने वहां पर काठमांडू में क्या क्या किया। उन्होंने मार्जिपान खरीदी, उन्होंने छल्ली खरीदी, फिर उन्होंने उस छल्ली के ऊपर नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू लगवाया और उसे खाया, और उन्होंने कुछ लव स्टोरी की कॉमिक्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट खरीदी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोला एंड अ नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। वॉश डाउन का क्या मतलब है? टू ड्रिंक समथिंग आफ्टर अ मील टू डाइजेस्ट इट। पहले राइटर ने मार्जिपान खाई और छल्ली खाई और फिर उसे डाइजेस्ट करने के लिए ऊपर से कोका कोला पिया, यानी कि कोक, और एक ऑरेंज ड्रिंक भी पिया जो कि नॉजिएटिंग था। नॉजिएटिंग मीन्स सिकनिंग, यानी कि जिससे थोड़ा सा उनको नशा आ गया और वो खाने पीने के बाद उन्हें बेटर फील हो रहा था। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप द गैंजेस पास्ट बनारस टू अलाहाबाद, देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। प्रोपेल्ड मीन्स ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड। अगर आपको किसी चीज से धक्का लगता है तो आप प्रोपेल हो जाते हैं, आप मोशन में आ जाते हैं। ट्रैवल पर से का मतलब है बाय इटसेल्फ। राइटर कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि मैं काठमांडू से वापस दिल्ली कैसे जाऊं, और वो कहते हैं कि अगर मैं ये सोचता कि मुझे ट्रैवलिंग का मजा लेना है तो मैं क्या करता, मैं पहले काठमांडू से बस या ट्रेन पकड़ के पटना पहुंच जाता, फिर पटना से नदी के रास्ते से, गंगा नदी के रास्ते से तैरता हुआ बनारस और अलाहाबाद पहुंच जाता, और फिर अलाहाबाद से यमुना में सेल करता हुआ मैं आगरा क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाता। अब मैं आपको ये रूट समझाती हूँ मैप पर। नेपाल में काठमांडू से पहले तो बस या फिर ट्रेन लेकर राइटर कहाँ पहुंच जाते, पटना, जो कि बिहार का कैपिटल है। पटना से गंगा नदी बहती है और वो गंगा नदी में बोट के थ्रू पहले तो वाराणसी क्रॉस करते और फिर अलाहाबाद। उसके बाद अलाहाबाद जहां पर संगम है, यानी कि गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है, वहां से वो यमुना नदी पर बोटिंग करते करते आगरा क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाते। तो राइटर ये कह रहे हैं कि अगर वो बहुत एडवेंचरस होते तो वो इस तरह का रूट लेते काठमांडू से दिल्ली जाने का। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, टूडे इज द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट। लेकिन राइटर कहते हैं कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं बहुत होमसिक फील कर रहा हूं और बहुत ज्यादा थका भी हुआ हूं, इसलिए मैं ऐसा रूट नहीं लूंगा। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। राइटर ने फाइनली क्या किया, उनके दिल ने उन्हें कहा कि फटाफट घर पहुंचो, इसलिए वो नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में गए और उन्होंने एक एयर टिकट खरीदा काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट का। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। इन हिज हैंड इज अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन। दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। अब यहाँ पर राइटर एक फ्लूट सेलर यानी कि बांसुरी बेचने वाले की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो होटल के पास के एरिया में खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक पोल था, एक स्टिक थी जिसके ऊपर बहुत सारी बांसुरीज हैंग हो रही थी और ऐसे वो हर दिशा में बाहर निकल रही थी। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बांसुरी है ये पॉक्यूपाइन के कांटों को रिजेम्बल कर रही थी। पॉक्यूपाइन एक एनिमल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसकी बॉडी में से हर दिशा में थॉर्न्स निकल रहे हैं, कांटे निकल रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे ही इसकी ये पोल में से हर दिशा में बांसुरी निकल रही थी। और फिर वो कहते हैं कि जो बांसुरियां थी ये बैम्बू की बनी हुई थी और अलग अलग तरह की बांसुरियां थी इसके पास। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये बांसुरी बेचने वाला अपने इस बांसुरियों में से कोई भी एक बांसुरी निकालता था, उसे थोड़ी देर के लिए बजाता था और उसकी बांसुरी की आवाज इतनी पावरफुल थी कि ट्रैफिक और सामान बेचने वालों की आवाजों को भी पार करके राइटर को सुन रही थी।
He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. अब राइटर कहते हैं कि बाकी हॉकर्स से ये आदमी बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ना तो ये अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से ये अपनी बांसुरी बजा रहा था. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Off-handed means casual, not showing much interest in something. राइटर कहते हैं कि कभी कभी उसकी एक आधी बांसुरी बिक जाती थी, लेकिन वो उसे बहुत ही कैजुअल ले रहा था. ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां पर बांसुरियां बेचने के लिए आया है, क्योंकि उसका मेन एम क्या था, वो बांसुरी बजा रहा था. और अगर कोई आकर उसे बांसुरी खरीद लेता था तो बड़े ही आराम से, बड़े ही कैजुअली वो उसे दे देता था. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. कभी कभी वो बांसुरी बजाने में ब्रेक ले लेता था, रुक जाता था और पास में खड़े फ्रूट सेलर से बातें करने लग जाता था. आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स. राइटर ये इमेजिन करते हैं इसे देखकर कि लगता है बहुत सालों से ये आदमी ऐसे ही जिंदगी जी रहा है. तो वो ये बताना चाहते हैं कि कितनी शांति से, कितने आराम से ये सिर्फ बांसुरी बजा रहा है, इसे बांसुरी बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर कोई आता है बांसुरी खरीदने तो ये आराम से चुपचाप उसे बांसुरी बेच देता है और फिर अपनी बांसुरी बजाने लग जाता है. आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. Writer कहते हैं कि वो इस फ्लूट की म्यूजिक से अट्रैक्ट हो गए थे, वो वहां से जा नहीं पा रहे थे. और वो फिर ये कहते हैं कि उन्हें हमेशा ही जब भी वो बांसुरी का म्यूजिक सुनते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. There is no culture that does not have its flute. The reed ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Writer कहते हैं कि हर region में, हर culture में आपको एक अलग तरह की flute देखने को मिलेगी, एक अलग तरह की बांसुरी देखने को मिलेगी. और फिर वो बताते हैं कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में किस किस तरह की फ्लूट्स पाई जाती हैं, उनके किस किस तरह के साउंड्स होते हैं. सब बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं एक दूसरे से. ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कॉम्पस. फिंगरिंग मीन्स द वे टू प्लेसिंग द फिंगर्स टू प्ले डिफरेंट नोट्स एंड कॉम्पस मीन्स रेंज. वो कहते हैं कि हर बांसुरी को बजाने का तरीका अलग होता है और हर बांसुरी की रेंज यानी कि आवाज की जो पिच है, जो गहराई है, जो डीपनेस है, वो अलग है. तो हर बांसुरी का जो साउंड है वो डिस्टिंक्ट है, बहुत ही अलग है. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस. वो कहते हैं कि हर अलग अलग बांसुरी की जब आप आवाज सुनेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट महसूस होता है. येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. Writer ये कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी बांसुरी की आवाज सुने तो आपको कैसा महसूस होता है. वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि आप mankind के बहुत पास हैं और ऐसा लगता है कि जो बांसुरी की आवाज है वो human voice का एक अलग पहलू है. राइटर ये बताना चाहते हैं कि ऑल्दो एक फ्लूट है जो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो ह्यूमन वॉइस से बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती है, क्योंकि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसे हम अपने माउथ से प्ले करते हैं. दैट्स वाई इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ. इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन. यहां पर भी राइटर यही बता रहे हैं, बांसुरी बजाने का जो तरीका है वो क्या है. आप जब मुंह से सांस छोड़ते हैं तो बांसुरी में से आवाज निकलती है. यहां पर आप देख सकते हैं ना, इसने जब ब्रीद आउट करेगी ये तभी बांसुरी में से आवाज निकलेगी, और जब ये रुक जाएगी सांस लेने के लिए तो बांसुरी में से आवाज भी बंद हो जाएगी.
राइटर भी ये कह रहे हैं कि बांसुरी का जो मोटिव फोर्स है यानी कि उसको बजाने का जो मेन जरिया है वो क्या है, हमारी सांस, लिविंग बींग की सांस. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. Writer ये कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें इतना इफेक्ट करती हैं, उन पे इतना असर डालती हैं, जैसे कि ये बांसुरी है. राइटर ने यहाँ पर देखिए फ्लूट के बारे में, बांसुरी के बारे में कितनी डिटेल में बात की है, और वो यही बता रहे हैं कि जब भी वो अब्रॉड जाते हैं ऐसी बहुत ही थोड़ी सी चीजें होती हैं जिन्हें वो इतनी डिटेल में नोटिस करते हैं, जिनके बारे में वो इतनी डिटेल में लिखते हैं. और इससे वो ये कहना चाहते हैं कि वो बांसुरी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है. एंड विद दिस वी हैव रेड दिस चैप्टर, वी कम टू एन एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like the video, do hit the like button, share this with your friends. If you have any questions, feel free to write in the comments box. And for more such videos, please subscribe to our channel, English Academy.